कभी गाइस तुम यहाँ पे आए थे ऑफ रोडिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते, बिकॉज ये देखो खतरनाक है। यहाँ पे गाड़ी ले जा सकते, वहाँ पे नदी है। अभी फिलहाल थार यहाँ पे खड़ी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रुके, थार यहाँ पार्क कर दिया मैंने, तो यहाँ से ड्रोन उड़ाते। यहाँ से ना पानी की आवाज आ रही बहुत ज्यादा नदी की ना। इसके बाद नहीं आएंगे। मैगी खाएगा? कोई नहीं, आज खा लियो। मजा आ गया मैगी। तो यहाँ पे रख के उड़ा सकते हैं। हमने कुछ भी तो अभी गाइस थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ा लिया, लेकिन यहाँ बारिश आने लगी तो हमको उतारना पड़ा। अब चलते हैं, वहाँ ब्रिज पे चलते हैं। ड्रोन तो मेरे पास है और सौरदा वहाँ गाड़ी लेके आ रहे हैं। अबे गाड़ी पार्क करने में भी एक झंझट है यार, बिल्कुल कोने में खड़ी करनी पड़ती है, बिकॉज रोड काफी पतली होती है ना। तो फिलहाल मैं दबा रहा हूँ गाड़ी को। ये देखो कैसे दबाई है। गेट ही नहीं खुल रहा, ज्यादा दबा दी मैंने, बट कोई बात नहीं, इतने मच्छर से निकल ही जाऊंगा मैं। तो अभी थार वहां पार्क कर दिया, अब जा रहे हैं ब्रिज पे। आई थिंक क्या कर रहा है भाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भी तू भी। लेट लेट के, और ये पता नहीं क्या उड़ा रहे हैं। जब भी ड्रोन हम नहीं उड़ाते बारिश रुक जाती है, और दोबारा ड्रोन उड़ाएंगे। सो गाइस अभी यहाँ पर दूसरी बार ड्रोन निकाला जा रहा है। सौरदा कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। ला 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 बाय। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस ऊपर, बिकॉज वहाँ से हम मैगी ले लेंगे, और वहाँ पर नीचे बहुत सारे पत्थर थे ना, वहाँ पर बैठ के खाएंगे। सुंदर और मैं जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पर बैठे थे, मैगी बन रही है वहाँ। सो गाइस मैगी तो पैक करवा ली है इसके अंदर। तो गाइस फोटोज ले लिए, ड्रोन उड़ा लिया है, और अब चलते हैं सीधा कुछ खाने के लिए। आप भी ब्लॉगर हो? आप ब्लॉगर हूँ, आपने बना के आता था, इसलिए मैं आपके उधर को आ नहीं रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी वीडियो में कह नहीं दिया। अच्छा, देख लो गाइस देख लो, तो ये जो ये कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। वहाँ ना जाए, इनके घर में पहाड़ी आते रहते हैं, कहीं ना कहीं सौरभ भाई आपको मिलते रहेंगे। जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे आया था, तो इन सबसे मिल लिया, अच्छे से मिल लिया तो अच्छा लगता है, लेकिन घर के बाहर भीड़ लग जाती है ना, वो तो गलत है। जैसे कि देखो सर ने बोला कि इनको पता है मेरा घर कहाँ पे है क्या है, लेकिन ये आ नहीं रही, क्योंकि मैंने मना किया। मैं हल्द्वानी में बहुत साल से रह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास। कृपया बिना बुलाए बिना परमिशन के किसी के घर भी, किसी एटलीस्ट कोई भी हो, फेमस हो ना हो, आपके स्टाफ हो, कोई भी हो, मतलब कॉमन मैन भी हो, आप तो चलो फेमस बंदे हो गए, कोई भी हो, अगर वो मना कर रहे हैं वो रीजन से कर रहे होंगे। तो फाइनली बैटरी खत्म हो चुकी है और मेरे को उतारना पड़ा, लेकिन बहुत मजा आ रहा था। बट जो भी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।